देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जाए। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। आम आदमी पार्टी पर अब आरोप लग रहे हैं कि उनकी करोड़ों की जो अचल संपत्ति है उसका जो जितना भी खर्चा है वो सिर्फ उनके बंगलों पे किया जा रहा है। जी हाँ, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के 80 करोड़ के बंगले पर कहा जा रहा है कि कम से कम 8 लाख रुपए के तो केवल पर्दे मंगाए गए हैं। जी हाँ, और वो भी जो मार्बल्स लगे गए हैं उनके बंगलों में वो वियतनाम से मंगाए गए हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल पर लगातार ये बात कही जा चुकी है कि वो इतनी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं जो केवल ऑटो में चलते हैं, गाड़ी तक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सरकारी जो जितने भी उनको सामान दिया गया वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये तमाम जो बातें कही जाती रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब जो ये खुलासे हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आलिशान जिंदगी को लेकर के, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे राज्यों से कवर करके राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो एक सपना था वो अरविंद केजरीवाल ने पूरा कर लिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं उनके आलिशान जिंदगी को लेकर के, अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आम आदमी पार्टी ने ये माना है कि कहीं ना कहीं जो आलिशान बंगले की बात की जा रही है और जितने खर्चे की बात की जा रही है वो हुए थे, लेकिन वो पहले हुए थे, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा संजय सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है, एक नहीं कई कारें 12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8
8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो करंट नहीं है, करंट फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि यह घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं तीन घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाड साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो, तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो संजय सिंह का साफ तौर पर ये कहना था कि जो बंगले पे खर्चे किए गए हैं वो पहले किए गए हैं और उनके अपनी जो खर्चे थे उस पर किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर साध रही है उसको लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर आखिरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल या निशान खड़े कर चुके हैं, जिसके ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल को घेरने का। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस मामले पर अपडेट देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।